दोस्तों आज के टाइम में लगभग सभी के पास बैंक खाता होता है, बैंक अकाउंट होता है, लेकिन यार जो बैंक खाता खुलवाने के बाद हमें एटीएम कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड ही बोलते हैं, बैंक की तरफ से मिलता है पैसे निकालने के लिए और जमा करने के लिए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारी जगह आप लोग यूज़ करते होंगे अपने डेबिट कार्ड का, एटीएम कार्ड का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको लाखों का इंश्योरेंस भी बैंक की तरफ से दिया जाता है, लेकिन भाई ये चीज़ ना बैंक किसी भी कस्टमर को नहीं बताता है। और आपने भी हो सकता है सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लाखों रुपए का इंश्योरेंस आपको कैसे मिलता है आपके एटीएम कार्ड पर। वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टैग। और यार गाइस, आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। तो यहां पर अभी हम सबसे बड़े बैंक, जो इंडिया का, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर हम उसकी वेबसाइट पर चलते हैं और आपको लाइव एग्जांपल बताते हैं कि आपको कितना और क्या इंश्योरेंस मिलता है एटीएम कार्ड पर। तो अभी हम SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर आ चुके हैं और यहां पर फिलहाल मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अगर आप इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बस ऊपर यहां पर क्लिक करना होगा और ये सारा का सारा पेज जो है कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। तो अभी जो भी आपको एटीएम कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है, वो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर डेबिट कार्ड है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप जो है एयर में सफ़र नहीं करते हैं, हवाई जहाज में कभी सफ़र नहीं करते हैं और आपकी दुर्घटना में कभी मौत हो जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, यह बीमा कवर डेबिट कार्ड धारकों को हवाई यात्रा के अतिरिक्त, यानी कि हवाई यात्रा को छोड़कर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, जैसे कि डेबिट कार्ड का प्रकार पर लागू होता है, यानी कि अलग अलग टाइप्स के डेबिट कार्ड मैं आपको बाद में बताऊँगा, और यह बीमा कवर तब से चालू हो जाता है जब कार्ड धारक का उपयोग दुर्घटना की तारीख से पिछले दिन 90 दिनों में होना चाहिए। यानी कि आपको जब भी किसी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर कम से कम एक जो है लेन देन होना ज़रूरी है, एक ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। अब ट्रांजैक्शन आप चाहे तो एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप जो है POS मशीन में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और चाहे तो आप ई-कॉम का मीन जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई सामान को खरीद सकते हैं। बस आपका पिछले 90 दिन में जो है उस पर्सन का जो है एक ट्रांजैक्शन कम से कम होना चाहिए, तभी आप जो है इस इंश्योरेंस को ले पाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो है किसी पर्सन की डेथ होती है यहाँ पर एयर एक्सीडेंट में, यानी कि अगर वो हवाई जहाज़ में सफ़र करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ज़्यादा आपको बीमा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड वेरिएंट है, यानी कि अलग अलग टाइप्स के जो एटीएम कार्ड मिलते हैं, वो आपका जो एटीएम कार्ड आपको इशू हुआ है बैंक की तरफ से, मिला है बैंक की तरफ से, उस पर लिखा रहेगा कि आपका जो कार्ड है एटीएम कार्ड, वो वीज़ा का है या फिर मास्टर कार्ड का है। तो यहाँ पर SBI गोल्ड का अगर आपके पास जो है डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, और आपकी मृत्यु कभी हो जाती है, आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, ठीक है, और तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 लाख रुपये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी पर्सन की जो है मृत्यु होती है एयर एक्सीडेंट में हवाई जहाज़ से, तो इस एवज में दुगनी रकम मिलती है 4 लाख रुपये। इसके अलावा SBI प्लेटिनम कार्ड है, उस पर 5 लाख का इंश्योरेंस है, हवाई यात्रा में 10 लाख का इंश्योरेंस है। इसके अलावा SBI प्राइस जो कार्ड आपको देखने को मिलता है उसमें 2 लाख रुपये है, और अगर एयर से जो है एक्सीडेंट होता है तो 4 लाख रुपये है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप्स के डेबिट कार्ड हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डायरेक्टली आप चाहे तो बाद में भी उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर खरीद संरक्षण है, तो यहाँ पर इस नीति में ऐसे सामानों की रसीद के 90 दिन के भीतर जो वाहन से चोरी सहित चोरी, सेंधमारी, घर का ताला तोड़ने के कारण आदि खरीदे गए सामान, वस्तुओं, नष्ट होने वाला सामान, आभूषण, कीमती स्टोन को छोड़कर
की गई हानि पर आपको जो है यहाँ पर जो है अगर आप कोई ख़रीद करते हैं यानी कि कोई परचेजिंग करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, तो इनको छोड़कर जो यहाँ पर दिए गए हैं डिटेल्स, इनको छोड़कर अगर आपके पास साथ कभी फ्रॉड हो जाता है तो यहाँ पर आपको SBI गोल्ड का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, 5,000 का आपको यहाँ पर बीमा देखने को मिलता है। इसके अलावा SBI प्लेटिनम कार्ड है तो 50,000, SBI प्राइस कार्ड है तो 5,000, इसके अलावा प्रीमियम कार्ड है तो 50,000 और SBI वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है तो आपको 1,00,000 रुपये तक का यहाँ पर जो है कवर देखने को मिल जाता है। अब ये कवर अलग अलग टाइप्स के हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर के लिए भी यहाँ पर जो है खरीद सुरक्षा है, जिसमें कि उनको जो है 2,00,000 रुपए तक कवर मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, उनके पास मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनके पास जो है ATM कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर जो है 2,00,000 का इंश्योरेंस उनको कवर मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत टाइप्स के यहाँ पर जो है कवर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से पढ़ लेना उस चीज़ को। और यहाँ पर जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कभी भी क्लेम करना है इंश्योरेंस को, तो क्लेम करने का क्या प्रोसेस है, क्या टर्म एंड कंडीशन से आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डेट दे रखी है और कौन सा आपके पास कार्ड है, आप उसको सबसे पहले यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास जो है मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका टाइप फ़िलहाल बजाज आलियंस के साथ में है और हो सकता है फ्यूचर में ये कंपनी चेंज हो जाए, यानी कि जो इनका इंश्योरेंस कंपनी है वो दूसरी हो जाए, टाइप हो जाए उनके साथ। तो आप नीचे आएंगे लास्ट में, तो अभी आप यहाँ पर नियम और शर्तें देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अन्य नियम और शर्तें दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन मिलेगी कि आपको ये इंश्योरेंस किस टाइप से मिलेगा और इसका फायदा आप किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा केस आता है या फिर आपकी फैमिली मेंबर में कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो आपको यहाँ पर जो है तुरंत अपने जो है जो भी परिवार का सदस्य है जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उनके बैंक में आपको जाना है और ब्रांच मैनेजर से आपको संपर्क करना है और आप जो है डेबिट कार्ड का जो भी इंश्योरेंस है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने ATM कार्ड पर, डेबिट कार्ड पर जो यहाँ पर इंश्योरेंस कवर है उसको ले पाएंगे।